हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्वातीज रसोई। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ मसाला कॉर्न की सब्जी। कॉर्न तो आपने कई तरह से खाया होगा या बच्चों बड़ों सबका फेवरेट होता है। यहाँ मैं आपको कॉर्न की एक ऐसी सब्जी बताने जा रही हूँ जो बहुत ही डिलीशियस और हेल्दी है। आप इसे रोटी, पूरी, पराठा, चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। यह बहुत टेस्टी होता है। आप इसे बनाइए। रेसिपी देखने के लिए पूरी वीडियो को देखिए। आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड और रिलेटिव में से शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन को प्रेस कीजिए, उसके बाद बेल आइकॉन को दबा दीजिए, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएंगे। दो सौ ग्राम कॉर्न जिसे मैंने उबाल लिया है, एक बड़ा प्याज जिसे बारीक चॉप कर लिया है, मीडियम साइज टमाटर जिसका पेस्ट बना लिया है, एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, एक चम्मच नमक या टेस्ट के अकॉर्डिंग, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच कसूरी मेथी, चम्मच साबुत जीरा, दो बड़े चम्मच धनिया पत्ती बारीक कटी हुई, तीन चम्मच सरसों का तेल और दो बड़ा चम्मच अमूल क्रीम। एक पैन में तेल गरम करेंगे। तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे साबुत जीरा। जीरा जब चटक जाए तब इसमें डालेंगे कटे हुए प्याज। इसे हल्का सा सौते कर लेंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। प्याज हल्का भुन गया है, अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे भी भून लेंगे। प्याज अदरक लहसुन भुन गया है, अब हम इसमें डालेंगे टोमेटो का पेस्ट। और इसे भूनेंगे। टमाटर भुन गया है, यह तेल भी छोड़ने लगा है। अब हम इसमें सारे ड्राई मसाले डालेंगे। धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, नमक, हल्दी, कसूरी मेथी और इसे भूनेंगे। मसाले अच्छे से भुन गए हैं, इसमें से तेल भी छूटने लगा है। अब हम इसमें डालेंगे क्रीम, जीरा पाउडर, गरम मसाला, धनिया पत्ती और इसे अच्छे से मिला लेंगे। मसाला अच्छे से भुन गया है, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और कलर देखिए कितना अच्छा है इसमें। अब हम इसमें डालेंगे पानी। यहाँ मैंने 1 कप पानी डाला है, आप अपने हिसाब से पानी की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब ग्रेवी में उबाल आने देंगे। ग्रेवी में उबाल आ गई है, अब हम इसमें डालेंगे उबले हुए कॉर्न और इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इसे ढककर 2 मिनट और पकाएंगे। सब्जी तैयार है, देखिए कितना अच्छा कलर आया है सब्जी का। यह खाने में भी बहुत टेस्टी होता है, आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। थोड़े से कद्दूकस किए हुए चीज से गार्निश कर देंगे, यह बिल्कुल ऑप्शनल है। मसाला कॉर्न सब्जी तैयार है। इसे आप रोटी, पूरी, पराठे के साथ खा सकते हैं। आप इसे ज़रूर बनाइए। आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी, अपना एक्सपीरियंस नीचे कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देखते हैं तो मेरे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कीजिए। थैंक यू।